सर ये तंदूरी प्लेटर है, एकदम ये मुर्गी के अंदर एकदम अलग कुछ चीज है, ये क्या है? किशमिश वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह भी है? ड्राई फ्रूट है, और यहाँ का स्पेशल डिश ये भी है। और ये सर ये ग्रिल चिकन है। सर यहाँ का स्पेशल डिश कॉन्टिनेंटल प्लेटर। सर ये मटन काली मिरी है। सर ये अल्पिक ब्रूस्टेड है, ये हाफ की क्वान्टिटी है। सर ये जायका अपने पास चिकन जायका। सर ये तवा बटर मसाला, ये गुर्दा काली मिरी है। सर गुर्दा काली मिरी, ये भेजा काली मिरी है। सर मंदिर है सर, तुर्की स्टाइल, तुर्की स्टाइल में मंदिर है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती है और मैं इस वक्त जो हूँ मुमरा की सरजमीन पे हूँ। अब आपके दिल में ख्याल आया होगा कि मुमरा में इतनी 200 रेस्टोरेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई मुमरा की रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन आज खैर मुहूर्त निकल चुका है और मैं आज मुमरा के अंदर साहिल के अंदर हूँ। मुमरा के बारे में तो आप जानते होंगे कि मुमरा जो है एक मतौसत तबके के जो लोग है उनके लिए एक बहुत ही आइडियल जगह है, लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि मुंबई फैलते गया तो मुमरा का जो है यहाँ पे धीरे धीरे आबादी होती चली गई और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होता चला गया और लोग आकर के यहाँ पे रहते थे। उसकी एक वजह भी है, घर की कीमत बनिस्बत मुंबई से कम है, किराया कम है। तो आज उसी जगह पे जब मुमरा आबाद हो रहा था तो तकरीबन 24 साल पहले ये रेस्टोरेंट जो है साहिल रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गई है और आज हम इसी के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए हस्ब मामूल देखते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाता है। मैं इस वक्त जो जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मुमरा कौसा है। ये जो सड़क आ रही है ये सिल फाटक की तरफ से आ रही है और राइट हैंड साइड में जो सड़क जा रही है ये मुमरा स्टेशन की तरफ से जा रही है। अगर आप इसको उल्टा समझो तो मुमरा से स्टेशन से सड़क आ रही है और सिल फाटक की तरफ जा रही है। जस्ट वहाँ पे सामने ही आपको ना DBS बैंक दिखेंगी। DBS बैंक के बिल्कुल सामने जो है ये साहिल रेस्टोरेंट है और इस सड़क पे ही आप मेरे आजू बाजू में अतराफ में देख सकते हो एक ह्यूज पार्किंग की जगह है। बस ये पार्किंग की जगह है और ये जो है साहिल होटल है। तो अगर आप अपने परिवार के साथ, आप अपने फैमिली के साथ, आपने कभी साहिल होटल के अंदर अगर खाने को कभी अभी तक नहीं आए हो ना तो आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस किया है। तो चलिए अभी जो आगे का जो पार्ट है कि यहाँ पे कितने तरीके के डाइनिंग का इंतजाम है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये यहाँ का मेन हॉल है, नॉन एनकंडीशन हॉल। यहाँ पे आप जो है आराम से सुकून और इत्मीनान के साथ आप यहाँ पे भी बैठ करके खा सकते हैं। बनिस्बत जो है आपको पता है कि नॉन एसी के अंदर जो कीमतें रहती है वो एयर कंडीशन से थोड़ी कम रहती है। तो ये इतना बड़ा ह्यूज हॉल है जिसके अंदर एक साथ काफी सारे लोग आ सकते हैं। अब इसके बाद में जो है सेकंड जो है यहाँ पे जो ऊपर है वो कितने तरह के डाइनिंग है आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सेकंड पोर्शन है जिसके अंदर एयर कंडीशन हॉल है और ये एक कंबाइंड ह्यूज हॉल है जहां पे आप सब लोग मिल करके इस हॉल के अंदर लगभग 70 लोग एक साथ मिल करके डाइनिंग कर सकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मुमरा जैसा जो अब नया नया इलाका भी डेवलप हो रहा है, कुछ साल ही हुए हैं, अगर आज से 30-35 बरस देखेंगे तो मुमरा एक बहुत छोटी सी जगह होती थी। मुमरा इलाके से तरक्की करते करते आज ये यहाँ पर पहुंचा है और इतना खूबसूरत सा है ना कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो मुंबई के जो बड़े बड़े लेविश पॉश बड़े बड़े ब्रांड है आप आसानी से इसका मुकाबला उससे कर सकते हो। और अब आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, बाजू में और दो तरीके की दिखाया और दो तरीके की डाइनिंग है। आइए मेरे साथ। ये इसका दूसरा लेविश हॉल है। यहाँ पे भी जो है आप अगर छोटी मोटी बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हो तो मना सकते हो। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत सा थीम है यहाँ पर। इसका जो है वो है यहाँ का लास्ट पोर्शन जिसके अंदर पर्दे का बाकायदा इंतजाम है। ये यह है यहाँ पोर्शन जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप अपने अहलो अयाल के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ अगर आना चाहते हो तो आप पर्दे का अगर ख्याल रखते हो, पर्दे की पाबंदी का एहतमाम करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुकून व इत्मीनान के साथ। यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरे से बाकायदा बड़ी आसानी के साथ पर्दादारी हो सकती है। ये जैसे कि मैंने आपको चार पोर्शन बताया, एक सरप्राइज आइटम आपको मैं बताता हूँ। आइए मेरे साथ अंदर। ये आप देख सकते हो कि कोई डॉक्टर्स वगैरह है, अगर उनको
जो मीटिंग वगैरह करनी रहती है, उनको गेट टुगेदर रहता है, तो वो लोग है ना इस पोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली जो है आम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन स्पेशल ओकेशन ऑन रिक्वेस्ट जो है आपको ये मिल सकता है। बहुत अच्छा इंतजाम है, एयर कंडीशन वगैरह सब लगा हुआ है, टीवी वगैरह है। जैसे कि देखो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पार्टी होने वाली है, तो उसकी तैयारी है ये। तो इस तरीके से तो आप सोच सकते हो मुमरा जैसे टाउन के अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटी, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं जब आकर के देखा तो मेरे लिए भी बड़ा हैरत था। तो चलिए अभी सीधा मैं आपको मेरे डाइनिंग टेबल पे मिलता हूँ, और डाइनिंग टेबल पे जैसे मुझे खाना सर्व होता है उस वक्त हम आगे की गुफ्तगु तब करेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा खाना है, लेकिन आज हम शुरू होते हैं स्टार्टर्स से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टर्स क्या है, क्या नाम है, और उसकी क्या कीमत है, और किस तरीके से बना हुआ है। सर ये तंदूरी प्लेटर है, तंदूरी प्लेटर स्पेशल डिश है, ताइल का स्पेशल तंदूरी प्लेटर कॉन्टिनेंटल में। अच्छा, इसमें कितने डिश रहते हैं? सर इसमें आपको 6 से 20 रहेगी सर। ओके, 6 आइटम है इसके अंदर। 6 आइटम रहेगा उसमें। इसमें ईरानी कबाब है, मलाई टिक्का है, पंजारा कबाब है, रेशमी टिक्का है, चिकन मलाई काली। और इसकी कीमत कितनी है? सर ये 1250 का है सर। 1250 का, इतने सारे कबाब सिर्फ 1250? ऐसा लगता है कोई मजाक कर रहा है। यहाँ का स्पेशलिटी और बेस्ट है यहाँ का। अच्छा, ये कस्टमर ज्यादा लाइक करते हैं। रिपीट ऑर्डर होता है ये? यस सर, होता है ना। एकदम ये मुर्गी के अंदर एकदम अलग कुछ चीज है, ये क्या है? सर ये रोस्ट चिकन तुर्की स्टाइल में, रोस्ट चिकन तुर्की स्टाइल में। इसमें किशमिश वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह भी है? ड्राई फ्रूट रहता है, और यहाँ का स्पेशलिटी ये भी है। ओके, रेट है 550 का सर। 550? यस सर। वाह, और ये? सर ये ग्रिल चिकन है। okay. ये भी यहाँ का स्पेशल डिश है सर। ये कुछ अलबेक कैसा लग रहा है? यस सर, अलबेक जैसा है, और इसका टेस्ट बेहतरीन है सर। okay. और इसके रेट है 550 ओनली। सर यहाँ का स्पेशल डिश कॉन्टिनेंटल प्लेटर। कॉन्टिनेंटल प्लेटर, यस सर। ये डिश बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ का स्पेशल डिश है। okay. सर इसमें आपको 4 डिश आएगा, चिकन काली मिर्च आएगा, ड्रम स्टिक आएगा, इटालियन चिकन आएगा, और कॉन्टिनेंटल चिकन आएगा, और टेस्ट में वेरी बेस्ट। सर ये मटन काली मिर्च है, इसका प्राइस है सर 750 का है, और ये भी टेस्ट मटन काली मिर्च का। जब मैं यहाँ की इंक्वायरी कर रहा था तो नेट पे गूगल पे भी बहुत सारे लोगों ने इसका जिक्र किया है, ये आपका बहुत चलता है? यस सर, ये हमारे यहाँ का स्पेशल मटन में ज्यादा करके यही चलता है, और बहुत से आइटम है वो भी चलते हैं, मगर ज्यादा पसंद यही करते हैं मटन काली मिर्च। ये क्या भाई? सर ये अल्बेक ब्रूस्टेड है, ये हाफ की क्वांटिटी है, ये 350 का प्राइस है हाफ में, इसमें फुल भी आता है। वो जो सऊदी वाला जो अल्बेक है, सर, वही फार्मूला वैसा ही है। ओके, इसमें फुल की भी क्वांटिटी है सर, 600 रुपीज का, ये हाफ की क्वांटिटी है, इसके साथ माइनो। चलो दोस्तों, स्टार्टर आपने देख लिया, उसकी कीमत जान लिया, अब वक्त है इसको चखने का, और चख के मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। इसके लिए जलन और हसद से जरा दूर रहिए और खाने का एंजॉय कीजिए। मटन काली मिर्ची है, ज्यादा ही चलते है, यहाँ का स्पेशल है। ओके, कॉन्टिनेंटल प्लेटर है, ड्रमस्टिक भी है, कॉन्टिनेंटल चिल्ली भी है, चिकन काली मिर्ची भी है, इटालियन चिकन भी है। ये चिकन काली मिर्ची है, ये कॉन्टिनेंटल चिल्ली है, ये इटालियन चिकन है, ये अपना स्पेशल डिश है, ग्रिल चिकन है। अभी स्टार्टिंग किया हम लोग तुर्की चिकन, यहाँ का स्पेशल है, ज़्यादा भी चलते है। दूसरा अपना पास एक तंदूरी प्लेटर है, 6 टाइप का कबाब आता है इसमें, चिकन ईरानी कबाब है, बंजारा है, और एक रेशमी टिक्का भी है, और अपना मलाई टिक्का भी है, और चिकन टिक्का भी है। दूसरा एक आरबीडीश है, ऑलबेक ब्रूस्टर चिकन है। तो सब्सक्राइबर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सिर्फ अभी तो मुझे स्टार्टर्स ही सर्व है, मेन कोर्स और राइस वाला आइटम बाकी है। तो चलिए ये खा के देखते हैं मुझे कैसा लगता है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हस्बे मामूल तंदूरी से। अब ये साहिल होटल है और ये उसकी तंदूरी टिक्का, आप देख रहे हो कितनी आसानी से टूट गया। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी कि ये कैसा है। ये रही ग्रिल चिकन, तुर्किश स्टाइल रोस्टेड चिकन। दोस्तों मुमरा में अभी तक मैंने 2 ढाबे जो है वो एक्सप्लोर किया था, और इस कदर जायकेदार, लज्जतदार, अगर आप जायकों के दीवाने हैं और हमेशा अगर जायकों की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ जाइए, मगर एक बार साहिल रेस्टोरेंट मुमरा कुबे में भी आइए और अपना तजुर्बा शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। मेरे कमेंट के दरवाजे वीडियो पे तो खुले हुए हैं, आप उसमें बता सकते हैं कि कैसा लगा है। मैं अगर कहूँ कि ये स्टार्टर्स का जो है मेरा तजुर्बा एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन था, तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। मुगलाई इंडियन तुर्किश फूड का जो कम्बिनेशन है ना, बहुत ही बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो कीमतें भी है ना,
जो हिसाब से क्वालिटी दे रहे एकदम वाजबी है। तो ये स्टार्टर का तो तजुर्बा मेरा बड़ा अच्छा रहा है। चलिए अब मिलते हैं मेन कोर्स पे। इतने लजीज लजीज स्टार्टर्स के पकवानात के बाद अब वक्त है मेन कोर्स का सर्व का। वो भी सर्व हो चुका है, वो भी ढेर सारा है। तो चलिए हस्बे मामूल समझते हैं क्या उसका नाम है, क्या उसकी कीमत है। सर ये तवा चिकन रोल है, तवा स्टार्टर है सर। ओके, तो अपने पास तवे वाले आइटम भी है? यस सर, तवे में है ना, अपने पास भेजा काली मिर्च है, गोर्दा काली मिर्च, ये जो सब तवा भेजा मसाला है, तवा गोर्दा मसाला है, बहुत सारे। इसकी क्या कीमत है सर? ये 90 रुपीज का है पर पीस सर। ये जायका है अपने पास, चिकन जायका, हाफ की भी क्वांटिटी है, फुल की भी क्वांटिटी है सर। ये हाफ का प्राइस 450 का है सर। ओके, टेस्ट में बेस्ट है सर। ये तवा बटेर मसाला है, बटेर मसाला, यस ये तवा बटेर मसाला है। ओके, ये 350 का है। इतना सस्ता बटेर? बटेर तो काफी महंगा रहता है। ये 350। हाँ अच्छा, ये एक गुर्दा काली मिर्च है सर। गुर्दा काली मिर्च, ये 290 का है सर। 290 रुपया, यस सर। ये भेजा मसाला है सर, ये 320 रुपये का है सर। ओके, ये भेजा काली मिर्च है सर, भेजा का भी कीमत सेम है सर। अच्छा, यस सर। ये सब तवे के आइटम है सर, तवे के आइटम है। ओके, ये क्या है सर? सर ये गुर्दा मसाला है। गुर्दा मसाला, यस सर। तो ये तीनों की कीमत सेम ही है सर? सब की सेम, खाली 20-30 रुपये आगे पीछे। ये शावरमा में क्या नया आइटम सर? ये शावरमा में प्लेटर है, अगर आप प्लेटर लोगे तो इसके अंदर आपको सब सेपरेट चीज़ मिलेगा। आपको चिकन अलग आ जाएगा, म्यूनिस अलग आ जाएगा, सलाद अलग आ जाएगा, यानी प्लेटर में आपको अलग अलग डिश आ जाएगा। शावरमा में प्लेटर मैं पहली बार मेरे चैनल पे सुन रहा हूँ। शावरमा में, ये शावरमा में प्लेटर भी है, शावरमा में अगर शावरमा लोगे तो अपने पास शावरमा भी है। शावरमा की क्या कीमत है सर? अगर आप प्लेटर लोगे ना, 220 रुपये का प्लेटर है सर। हाँ। शोरमा प्लेटर, अगर आप शोरमा लोगे चिकन में, अब उसमें लोगे तो आपको 90 रुपीज का पीस है। ओके, और सांबोली में लोगे, इसमें पाँव में भी आता है और सांबोली में भी। हाँ। और ये सर एक मंदिर है सर, तुर्की स्टाइल, तुर्की स्टाइल में मंदिर है सर। तो अपने पास जो है इंडियन, चाइनीज, मुगलाई, यस सर, और तुर्कीश, अरबी सभी है, मतलब ऑलमोस्ट सभी है, यस सर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना दोस्तों, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये फुल में भी है, हाफ में भी है। अगर फुल में लोगे तो 1050 का आएगा, और हाफ में लोगे तो 580 का आएगा सर। ओके, ठीक। और आप क्वार्टर लेना चाहते हो तो क्वार्टर भी ले सकते हैं। क्वार्टर भी है? यस सर, क्वार्टर में भी आपको मिल जाएगा सर। ओके, 300 रुपीज प्राइस है इसका सर। पहली बार सुन रहे ना रेस्टोरेंट के अंदर क्वार्टर आइटम? ढाबे पे तो सुने हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर भी क्वार्टर आइटम है और मुमरा में अवेलेबल है। और अगर नान में आप ट्राई करना चाहते हो तो अपने पास नान भी है सर, बटर। हाँ। नान है, कुलचा है, पराठा है, रुमाली रोटी है, चपाती है, बहुत से आइटम रोटी में। सर अपना ये स्पेशल डिश है भेजा काली मिर्ची है, रमजान में ज़्यादा ही चलते हैं, बेहतरीन। अच्छा। है यहाँ का स्पेशल है। ओके, दूसरा अपना पास एक भेजा मसाला है, तवा का है, वो भी स्पेशल यहाँ का है। तीसरा बटर मसाला है, और एक मेन कोर्स में साइल स्पेशल जायका है, स्पेशल डिश है। इतनी सारी रोटी है लेकिन मैं सिर्फ कुलचा ट्राई कर रहा हूँ। तुर्की चिकन है, मंदिर आइस है, यहाँ का स्पेशल है। दोस्तों अभी वक्त है मेन कोर्स का चखने का, चलो इसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तवा भेजा काली मिरी बहुत ज़बरदस्त है, तवे का आइटम है, जायका इतना बेहतरीन है कि आप खाते रह जाओगे। और ये है तवा भेजा मसाला। मुमरा में रमज़ान, मुमरा के अंदर रमज़ान का एक अलग ही स्वैग रहता है, लेकिन यहाँ की जो होटलें भी रहती है ना, उसमें भी काफ़ी गहमा गहमी रहती है, काफ़ी चलता है। और ये आइटम जो है रमज़ान शरीफ के अंदर है ना, बहुत चलता है। और ये रहा बटीर, बटीर मटर तवा बटीर मसाला, बहुत जायका रहता है बटीर के गोश्त में ना, बहुत लज्जत रहती है। देखिए चिकन जायका, साहिल का चिकन जायका बहुत ही मस्त है, अच्छा है। इस कलर अच्छा है कि इसके अंदर जो चटपटापन है ना, उसके जो मसालों का जो कम्बिनेशन है ना, एकदम 100% परफेक्ट है। तवा चिकन रोल वो भी मस्त है। और ये जो प्लेटर है इनका, यहाँ पे शावरमा तो जाने दीजिए, लेकिन इसका जो प्लेटर है वो हम चख के देखते हैं। शावरमा प्लेटर, आपने अगर कभी शावरमा प्लेटर कहीं नहीं खाए हो ना, कभी मुमरा गुजरो, कभी शॉपिंग के लिए आओ, कभी रिश्तेदार अजीज व अकारीब के पास आओ, तो ज़रूर यहाँ पे आके एक बार आइए, आपको यूनिक यूनिक चीज़ें ही मिलेगी। अब वक्त है आखिरी डिश जो है, मंदी है तुर्की स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों मैं तमाम मेरे खाने से, रात के खाने से मैं और मेरी टीम जो है फारिग होते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं।
दोस्तों मुंब्रा की साहिल होटल को एक्सप्लोर करने का जो तजुर्बा था बहुत जबरदस्त था, अच्छा लगा। और एक इसके अंदर एक इजाफी लफ्ज बोलता हूँ कि मुझे याद रहेगा। अब इस रेस्टोरेंट की जो कहानी है वो होती है आज से कुछ 22-24 साल पहले से, और मरहला दर मरहला वो होते हुए यहाँ तक पहुँची है। और मुंब्रा जैसे गुंजान इलाके के अंदर अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट तो है ही है, लेकिन एक और भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि यहाँ पे 70 आदमियों का बैठने का खाने का इंतजाम है। अगर इसके अलावा आपके घर में अगर वलीमा है, आपके घर के अंदर किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, व्हाटएवर, किसी भी तरह की खुशियाँ जो है आपको सेलिब्रेट करना है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा पोर्शन है ना, 4 से 5 जो है मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया, तो आप उसका भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर है। और अब जो है मैं आपको एक वन ऑफ द जिम्मेदार जो है आप पार्टनर भी कह सकते हैं, ऑनर कह सकते हैं, उनसे मिलाता हूँ। साहिल भाई इन्हीं का नाम है। साहिल भाई ये क्या इटालियन वाला फंडा है बताइए? फंडा तो हमारे इधर फेमस इंडियन है, चाइनीज है, इटालियन है, अरबिक है। हाँ। मेरे ख्याल से मुंब्रा के अंदर और कोई भी इटालियन नहीं दे रहा है ना? नहीं नहीं, हमारे इधर ये स्टार्टिंग हमने की। आज मुंब्रा के अंदर खाने के एक बेहतरीन से बेहतरीन एक से एक ऑप्शन है, लेकिन उन चंद अच्छे ऑप्शन के अंदर एक साहिल होटल भी है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ बुकिंग करनी हो या आपको कुछ इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब मैं मोहम्मद अयाज बरकाती को मुंब्रा से मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपके साथ रूबरू होगा। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।